नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सटा देश। उद्योग नहीं लगने के क्षेत्र में जिस राज्य का पहला नाम आता है वह है बिहार, क्योंकि यहां चरम पर पहुंची करप्शन हो या फिर भूमि अधिग्रहण से लेकर समस्या, उद्योगपति जब भी बिहार में प्रवेश करना चाहते हैं कोई ना कोई समस्या के कारण उन्हें बिहार छोड़कर जाना पड़ता है। चाहे राजनेताओं की तरफ से हो या फिर आम लोगों की तरफ से, कोई ना कोई समस्या के कारण उन्हें आखिरकार बिहार से बाहर निकलना ही पड़ जाता है। लेकिन कि यह बातें पुरानी है, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में भी नीतीश कुमार की ओर से एक के बाद एक स्कीम चलाई जा रहे हैं जिससे कि उद्योगपति प्रभावित होकर बिहार में निवेश करे और बिहार वासियों को सिर्फ मजदूर की नजर से ना देखा जाए, क्योंकि बिहार वासी सिर्फ मजदूर बनकर रह गए हैं पूरे भारतवर्ष में। आप किसी भी राज्य में जाएं वहां बिहार वासी जरूर आपको मजदूर के भेष में मिल ही जाएंगे। इसी को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार के स्कीम के तहत उद्योगपति भी बिहार में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। यही कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार में कुछ नए निवेशक धरातल पर उतरने जा रहे हैं। पटना के दनियावा में चिप्स और स्नैक्स, भागलपुर के बरारी में जूस और सॉफ्ट ड्रिंक और गया में पोटैटो चिप्स की यूनिट लगेगी। सबसे अधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण और हेल्थ सेक्टर में ही है। प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दे दी गई है, उनमें नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक्स और बेकरी के क्षेत्र में हैं। फिलहाल निवेश प्रोत्साहन परिषद ने बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक के 19 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दे दी है। इनमें 156 करोड़ के निवेश प्रस्तावित भी हैं। निवेश करने वाली यूनिट की बैंक और सरकार की नज़र में वित्तीय सुविधा और अनुदानों की पात्रता हासिल हो गई है। अब वह वित्तीय मदद लेकर प्रस्ताव के अनुरूप निवेश को धरातल पर उतार सकता है। दोस्तों, जिन क्षेत्रों पर निवेश किया जाएगा वो है पटना जिले के दनियावा में चिप्स और स्नैक्स बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसका कुल निवेश प्रस्ताव लगभग 67 करोड़ रुपए है। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स उत्पाद के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव है। भागलपुर के बरारी औद्योगिक क्षेत्र में फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक के क्षेत्र में लगभग 11.5 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। पटना जिले में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्वीट बेकरी और नमकीन उत्पादन के लिए लगभग 10.5 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है। गया जिले पोटैटो चिप्स उत्पादन के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्थापित किया जाना है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर क्षेत्र में बॉइल्ड राइस के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाना है। हेल्थ केयर सेक्टर में मुजफ्फरपुर के जोरन छपरा में 65 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए लगभग 23.5 करोड़ रुपए का, मधुबनी में लहरियागंज में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना में 4 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा इन प्रस्तावों में जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। विकास आयुक्त ने नगर आवास एवं विकास विभाग को निर्देश दिया है कि पटना महानगरीय और अन्य नगर पालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत औद्योगिक क्षेत्रों का मैप अप्रूवल ऑनलाइन किया जाए। वहीं अब अग्निशमन विभाग को फायर ऑडिट रिपोर्ट देने की प्रक्रिया ऑनलाइन करनी होगी। श्रम विभाग को निर्देश दिया गया है कि विभाग मैप का अप्रूवल ऑनलाइन ही करे, साथ ही आकलन समिति की अनुशंसा ऑनलाइन ही करी जाएगी। साथ ही निवेशकों के साइट अप्रेजल की रिपोर्ट ऑनलाइन लेने के लिए कहा है। विकास आयुक्त ने पशुपालन विभाग से कहा है कि पोल्ट्री और कैटल फीड सेक्टर के निवेशकों को भारत सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी जानकारी उपलब्ध जल्द से जल्द कराए। बिहार में निवेशक आए इसलिए नीतीश कुमार की सरकार एक के बाद एक कोशिश करते जा रही है, चाहे वो करप्शन मुक्त लाइसेंस की प्रक्रिया हो या फिर कोई और अप्रूवल। राज्य सरकार यह चाह रही है कि सारे चीज ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हो ताकि करप्शन कम से कम और हो सके तो ना के बराबर करप्शन की जा सके। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अब बिहार मजदूर राज्य बनकर ना रह जाए दूसरे राज्यों के लिए। बिहार में भी उद्योग लगे और हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़े ताकि बिहार के साथ साथ बिहार वासियों का भी विकास हो सके। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।